अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फाइव हम मैथ सीखेंगे। मैथ स्किल्स क्लास फाइव है, क्लास फाइव का मैथ सीखेंगे हम। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर थ्री, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में हमारे पास टर्म्स होंगी जिसमें हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज थ्री ई, यूनिट नंबर थ्री फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज थ्री ई, जिसमें हम कुछ लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 35, जिसमें एक्सरसाइज है 3E, एक्सरसाइज 3E, यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन, एक्सरसाइज है 3E। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3 आपका बुक का पेज नंबर है 35, पेज नंबर 35, इसमें ये एक्सरसाइज है। आज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे कि हमारे पास एक लॉ है लेफ्ट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक हमारे पास लॉ है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट हम साथ साथ क्वेश्चन में इनको सीखते भी हैं, समझते भी हैं और साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, वेरीफाई द लॉज एंड नेम दैम। क्वेश्चन नंबर वन है वेरीफाई द लॉज एंड नेम दैम। इनके स्टूडेंट हमने क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड। इसमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, जिसको हमने प्रूफ करना है, आंसर फाइंड करने हैं सेम। और अब हम उनका नाम भी लिखेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड हम कौन सा लॉ वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में 5/14 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 8/15, ये हमारे पास इज इक्वल 5/14 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 5/14 मल्टीप्लाई 8/15। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें हमारे पास एक लेफ्ट साइड टर्म है, एक राइट साइड टर्म है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई ओवर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इनके हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई टर्म। इस तरह दरमियान में प्लस है, ये हमने प्लस लिखा है। अब हमने फर्स्ट टर्म को जब सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट 5/14 है, मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से तो हमें 5/14 मल्टीप्लाई 7/2 मिल जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्लस और सेकंड एज इट इज, यानी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, कि हम टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन का। यहाँ पर एडिशन का साइन है तो ओवर एडिशन आएगा, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस का साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम इसको लेफ्ट साइड से भी वेरीफाई करेंगे, राइट साइड से भी इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों साइड से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 5/14 मल्टीप्लाई इंटू 7/2 प्लस 8/15, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि सबसे पहले जब आप साइड्स को लिखेंगे तो आपने जो ब्रैकेट में टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर एडिशन है वो सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप वो सॉल्व करेंगे। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं 5/14 मल्टीप्लाई
इनटू हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 15 का, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो ये स्टूडेंट 2 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 है और 15 है, यानी कि हम यहाँ पर 2 और 15 का एलसीएम टेक करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 एज इट इज़ पुट करेंगे। नेक्स्ट ये है 15 1 टाइम 15 और ये 1 एज इट इज़। तो जब हमने एलसीएम यहाँ पर लिखा, 2 को मल्टीप्लाई किया 15 से, इनके ये दोनों टर्म्स हमने मल्टीप्लाई किए, तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट 30। एलसीएम कितना आ गया 30। इसका मतलब है कि हमें इस एलसीएम के लिए हमें डिनोमिनेटर में 30 और 30 चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, अब 30 चाहिए। तो इस 2 को मैं 30 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30 आ जाएगा। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 से, तो मेरे पास ये 30 आ जाएगा। तो हमने ऊपर वाली टर्म को भी 15 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली टर्म को भी, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 15 और 2 मल्टीप्लाई 15। ये हमने लिखा, ऊपर 7 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई किया, प्लस है यहाँ पर ये 8 ओवर 15 है, ये 15 को भी हमने 30 में कन्वर्ट करना है। तो 15 कैसे हमारे पास 30 आएगा, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 5 ओवर 14 ये हमने एज इट इज पुट की, मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब हम 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 15। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 5 टाइम 35, 5 लिखा 3 कैरी किया हमने, 7 1 टाइम 7 और 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 105 ओवर। 2 को मल्टीप्लाई 15 से तो ये 30, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 टाइम 16 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 30 आंसर, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, 5 ओवर 14 है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं टर्म्स का, तो एलसीएम हमने फाइंड किया, हमारे पास एलसीएम आया 30, ये 30 30 से कैंसिल, ऊपर 105 है, ये हम यहाँ पे 105 लिखेंगे, प्लस ये 30 हम 30 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ऊपर 16 है और ये हमने यहाँ पे 16 पुट किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 5 ओवर 14 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 105 प्लस 16 करेंगे, दोनों नंबर्स के दरमियान एडिशन का साइन है, नंबर्स को ऐड करेंगे, 105 और नीचे है 16 प्लस करना है, तो 5 प्लस 6 11, 1 1 हमने कैरी किया, 1 प्लस 1 2 और ये 1 एज इट इज़ 121 ओवर 30, 121 ओवर 30 आ गया, यानी कि ब्रैकेट फिनिश। 105 में हमने 16 जमा किए, 121 ओवर 30 मिल गया। अब स्टूडेंट दरमियान में दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान कटिंग का मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम दोनों फ्रैक्शंस को कटिंग करेंगे दोनों की, यहाँ पर कटिंग करते हैं 5 1 टाइम 5, इसी तरह 5 6 टाइम 30 आ जाएगा, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, तो ये हमने 30 कैंसिल किया इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास अमाउंट है ये है 121, को ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई 121 ओवर 14 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 14 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आएगी, ओवर 14 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 टाइम 24, 4 लिखा 2 कैरी किया, 6 1 6 और 2 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो ये हमने डिवाइड लिखा स्टूडेंट 84, 121 ओवर 84 आ गया हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमने इसको लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में 121 ओवर 84 आया। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारे पास 121 ओवर 84
आंसर आए। तो आइए स्टूडेंट राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसमें हमारे पास टर्म्स हैं 5/14 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 5/14 मल्टीप्लाई 8/15। तो ये स्टूडेंट को सॉल्व करें, यहाँ पर दोनों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हम देखते हैं कटिंग होगी 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14। तो 2 के टेबल में 5 कट नहीं होगा तो 5 को हम मान से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज ब्रैकेट प्लस यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे, ये 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है, 2 के टेबल से कट होंगे 2 4 टाइम 8 2 7 टाइम 14। तो इसको लिखते हैं 1 नीचे 7 है 1/7 मल्टीप्लाई 4/3 ऊपर 4 है नीचे 3 है 4/3। फाइव को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 5/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 4 आ जाएगा और डिवाइड में है 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 21। तो ये हमारे पास टर्म आई 21। अब स्टूडेंट हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, जो नीचे फैक्टर्स हैं 4 और 21 का एलसीएम फाइंड करेंगे 4 21। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवन नंबर है, 2 के टेबल से एलसीएम लेंगे इनका 2 2 टाइम 4, 2 के टेबल में 21 नहीं आता इसको एज इट इज़ पुट करेंगे, अगेन 2 से 2 1 टाइम्स 2 21 एज इट इज़। 21 हमारे पास 3 के टेबल से भी सॉल्व होगा, 3 से करते हैं इसको 3 1 एज इट इज़ आ जाएगा 3 7 टाइम 21 और फिर 7 1 टाइम 7। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसी तरह हमारे पास 12 7 टाइम 84 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने एलसीएम जो गेट किया है वो हमें मिला है 84, एलसीएम इज इक्वल 84। अब हमने स्टूडेंट इन फ्रैक्शंस के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको भी हमने कन्वर्ट करना है 84 में, जैसा कि यहाँ पे 4 है तो इसको हम 84 बनाएंगे, 21 है तो इसको भी हम 84 बनाएंगे। तो स्टूडेंट 4 को 84 में कन्वर्ट करने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 84 एलसीएम है, इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8 2 कैरी करेंगे और 4 6 टाइम आ जाएगा 24। तो ये हमने 26 पर, जब हमने 26 टाइम पे 84 हमने यहाँ पे फाइंड करना है 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 इस तरह 4 1 टाइम 4 21 पे हमारे पास 84 आ जाएगा। तो हम इन नंबर्स को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह यहाँ पर 4 है नीचे 21 है, हमने 21 नंबर्स को 21 को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 84 है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से ऊपर भी और नीचे भी इज इक्वल 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 5 2 टाइम 10 105 ओवर। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास 84 आया प्लस 4 4 टाइम 16 ओवर 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल जाएगा 84। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एलसीएम टेक करना है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर ये 84 एलसीएम हमने फाइंड किया था प्रीवियस, अभी अब 84 से कैंसिल और ऊपर 105 यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 84 से कैंसिल और ये ऊपर 16 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हमने 105 को 16 में प्लस करेंगे 105 इसमें हम 16 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 प्लस 5 11 1 लिखा 1 कैरी किया
वन प्लस वन टू और ये वन एज इट इज़। तो ये आ गया 121/84 आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 121/84 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 121/84 है। तो ये हमने इसको फाइंड किया, दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों साइड का आंसर सेम आया हमारे पास। तो ये हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में सेम है। और फिर हमने यहाँ पर लॉ का नाम भी लिखना था, तो ये लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ये लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड लिखते हैं हम 5/12 प्लस 15/18 मल्टीप्लाई 6/10 इज इक्वल 5/12 मल्टीप्लाई 6/10 प्लस 15/18 मल्टीप्लाई 6/10। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हमारे पास अगेन मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है 5/12 प्लस 15/18 मल्टीप्लाई 6/10। तो यहाँ पर फिर हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में है 5/12 प्लस 15/18, तो दोनों टर्म्स का यहाँ एलसीएम लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करते हैं इनका, 12, 18, दोनों ए वन नंबर्स हैं, टू के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 6 times 12 और 2 9 times 18। नेक्स्ट हम 2 से 2 3 times 6, टू के टेबल में 9 नहीं आता, हम 9 एज इट इज नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रो 3 है, जहाँ पर 9 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 से करते हैं इसको, 3 1 3, 3 3 times 9, लास्ट में हमारे पास 3 बच गया, ये 1 एज इट इज और 3 1 times 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, एलसीएम इज इक्वल 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। तो ये हमें मिल गया 2 2 times 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 टाइम आ जाएगा 36, 2 2 times 4, 4 3 times 12, 12 3 times 36 मिल जाएगा। तो एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, एलसीएम हमारे पास आया 36। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 12 की जगह भी 36 लेके आना है और 18 की जगह भी हमारा 36 आए। तो आइए इसको 36 में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं 5/12, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी और नीचे भी कि हमारे पास 36 आ जाए। तो स्टूडेंट 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 36, यानी कि 12 3 times 36, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये हमारे पास 15/18 है, इनको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 36 आए। तो यहाँ पर ये नंबर 18 है, 18 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 36 मिल जाएगा। तो ये हम डिनोमिनेटर में भी 2 से और नॉमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई 6/10 एज इट इज़।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 टाइम 15 ओवर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 12 5 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ओवर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 6 ओवर 10 एज इट इज इज इक्वल। अब स्टूडेंट हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम हमारे पास आया 36, ये भी हमने फाइंड किया, एलसीएम हमें यहाँ पे मिला 36, ये हमने एलसीएम लिखा नीचे यहाँ पर। अब इनको हम कटिंग करते हैं, ये 36 36 से कैंसिल और ऊपर नंबर 15 है तो ये हम यहाँ पे 15 पुट करेंगे, प्लस 36 को हमने 36 से कैंसिल किया, ऊपर नंबर 30 है ये हम यहाँ पे 30 पुट करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज मल्टीप्लाई 6 ओवर 10 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने 15 में 30 ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है क्योंकि दोनों नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन है, तो 15 और 30 को ऐड करेंगे 30 15, 0 प्लस 5 इज इक्वल 5, 3 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 और ये हमें मिल गया 45 ओवर 36, ब्रैकेट खत्म कर देंगे मल्टीप्लाई 6 ओवर 10। अब स्टूडेंट दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको हम कट करेंगे, जैसे कि 6 है यहाँ पर और ये 36 है तो दोनों नंबर्स कट होंगे 6 के टेबल से, ये 6 1 टाइम 6 6 6 टाइम आ जाएगा 36। नेक्स्ट यहाँ पे 10 है और ये 45 है तो दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं, 5 2 टाइम 10 और 5 9 टाइम 45। अब ऊपर 9 है नीचे 6 है, इसको हम लिखते हैं 9 ओवर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 और नीचे 2 है 1 ओवर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को ऊपर नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6 को नीचे वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 9, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12, तो ये हमें आंसर मिल गया 9 ओवर 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास आया है 9 ओवर 12। एज इट इज स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन का राइट साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड उसका भी हम आंसर फाइंड करेंगे कि हमारे पास दोनों का सेम आंसर है। तो ये स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की। राइट हैंड साइड है 5 ओवर 12 मल्टीप्लाई 6 ओवर 10 प्लस 15 ओवर 18 मल्टीप्लाई 6 ओवर 10। यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में आपस में इसको कट करते हैं, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, इसी तरह यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये 12 है तो 6 1 टाइम 6 6 2 टाइम 12 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, मल्टीप्लाई कट करते हैं, 6 1 टाइम 6 6 3 टाइम 18 और 10 है और ये 15 है तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 टाइम 10 5 3 टाइम 15 आ जाएगा। इनको लिखते हैं, ऊपर 1 है नीचे 2, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 ब्रैकेट प्लस 3 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 ये टर्म प्लस यहाँ पर 3 है नीचे भी 3 है तो 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल 1 ओवर 2 2 टाइम्स 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 2 तो ये आ गया 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2।
स्टूडेंट इनका हम फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे 4 और 12 की, 4 और 2 की, 2 के टेबल से 2 टू टाइम 4, 2 1 टाइम्स 2 और 2 1 टाइम्स 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 1 ओवर 4 प्लस यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए, तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4, 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ गया 1 ओवर 4 प्लस 2 ओवर 4, तो एलसीएम इज इक्वल 4, 4 4 से कैंसिल, ऊपर ये 1 लिखेंगे प्लस 4 4 से कैंसिल, ऊपर ये 2 लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल 3 ओवर 4 आ गया। तो राइट साइड पे हमें 3 ओवर 4 मिला है, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो नंबर था वो था स्टूडेंट 9 ओवर 12, इसको हम कट कर सकते हैं, यानी कि 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम 12, तो ये 3 ओवर 4, ये लेफ्ट साइड पे 3 ओवर 4, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दें, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड फाइंड की, उसमें भी 3 ओवर 4 आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे पास लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ये था पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 इज इक्वल 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड राइट हैंड साइड, और ये दोनों साइड्स फर्स्ट हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर पुट करेंगे लेफ्ट लिमिट, यहाँ पर है 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18। तो आपको स्टूडेंट रिमाइंड दोबारा से याद करवा देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में है 2 और 5, तो 2 1 टाइम्स 2 5 एज इट इज पुट करेंगे, और 5 1 द 5 और ये 1 एज इट इज, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 10। तो यानी कि हमारे पास एलसीएम 10 है, तो हमें हर डिनोमिनेटर के नीचे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो आइए हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। 1, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए, तो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 3 ओवर 5। अब यहाँ पर 5 है, मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पर 10 मिल जाए, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 10 ओवर 18, 10 ओवर 18, तो 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 6, 5 टू टाइम्स 10, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर्स में 10 आ गए, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 मिल गया। अब हम इसका सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा नीचे 10, ये 10 हमने 10 से कैंसिल किया, ऊपर 5 माइनस 10, 10 से कैंसिल ऊपर
6 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18। तो स्टूडेंट 5 माइनस 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 है। तो 5 में से माइनस 6 करेंगे माइनस 1 आएगा, ओवर 10 है मल्टीप्लाई 10 ओवर 18। तो यहाँ पर स्टूडेंट 10 1 टाइम्स 10 हमने 10 को 10 से कैंसिल किए, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 18। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया है वो है माइनस 1 ओवर 18। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे कि हमारे पास वो क्या आएगा। राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की। राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18 माइनस 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 18। तो इनको हम मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2 है, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम 10, ये हमने कट किया। और फिर 1 और 18 की तो आपस में कटिंग नहीं होगी। इसी तरह ये नंबर हैं 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18। अब इनको हम लिख देते हैं 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 5 ओवर 18 माइनस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर 6 इज इक्वल 1 ओवर 1 1 मल्टीप्लाई 5 ओवर 18। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम 6, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। ये हमें मिल गया 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 ओवर 1 मल्टीप्लाई 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास आ गया 5 ओवर 18 माइनस 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट दरमियान में सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शंस के दरमियान में सब्ट्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम टेक करेंगे, 18 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 के टेबल से 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 6 टाइम 18 और 6 1 टाइम 6 आ जाएगा। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इज इक्वल 18, 3 6 टाइम 18। तो यहाँ पे एलसीएम पुट करते हैं। यहाँ पर अब एलसीएम 18 आया है तो हमें डिनोमिनेटर के नीचे क्या चाहिए, 18। यहाँ पर तो ऑलरेडी 18 मौजूद है तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 है, इसको हम 18 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ओवर 3, 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18 आ जाए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 टाइम क्या आ जाएगा 18। तो 6 को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 6 से हमने नीचे वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई किया। तो यह आ गया हमारे पास 5 ओवर 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 6 ओवर 6 मल्टीप्लाई 3, 60 टाइम 18। तो 5 ओवर 18 माइनस 6 ओवर 18 है स्टूडेंट, एलसीएम ले लेते हैं दोनों टर्म्स का, नीचे आ जाएगा 18, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 18 18 से कैंसिल और ऊपर 5, 18 18 से कैंसिल और ऊपर 6। तो 5 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 1 ओवर, नीचे 18 है तो ये हमने डिनोमिनेटर में 18 वैल्यू पुट की, माइनस 1 ओवर 18, माइनस 1 ओवर 18 आंसर। डेफिनेट स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर 18 आया, जबकि राइट हैंड साइड पर भी माइनस 1 ओवर 18 है। तो इससे हमें ये मिला, हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर
4, पार्ट नंबर 4 है 1 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6 माइनस 8 ओवर 15 इज इक्वल 1 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6 माइनस 1 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 8 ओवर 15। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है जिसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देन हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6 माइनस 8 ओवर 15। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 टाइम 3, उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 ओवर 3। 3 1 टाइम 3, 2 ऐड करेंगे 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं वह है 5 ओवर 6 माइनस 8 ओवर 15। अब स्टूडेंट फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस का साइन है तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम इसके एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 6 है और 15 है, इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 टाइम 6, 2 5 टाइम 15, सॉरी 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 एज इट इज पुट किया जाएगा। नेक्स्ट 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 1 10 5 और 1 एज इट इज। एलसीएम के लिए अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 3 टाइम 6, 6 5 द 30, तो ये हमें एलसीएम मिल गया 30। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर में हमें 30 चाहिए, यानी कि 6 पर भी यहाँ पर भी 30 चाहिए और जहाँ पर 15 है वहाँ पे भी मुझे 30 रिक्वायर्ड है। तो आइए इनको 30 में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा हमने 5 ओवर 6, तो 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 30 मिल जाए, तो मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 6 5 टाइम 30, तो ऊपर वाले टर्म को भी नॉमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस 8 ओवर 15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 है, 15 को मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 30 मिल जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25, ओवर 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 30, माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 16, ओवर 15 मल्टीप्लाई 2 30, यह है 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमने फाइंड किया था 30 आया हमारे पास, ये 30 से कैंसिल और इसके ऊपर वाला टर्म 25 आ जाएगी, माइनस 30 को 30 से कैंसिल करेंगे, ऊपर जो टर्म है 16 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से, माइनस करेंगे 16, 25 माइनस 16, तो यहाँ पर लिखते हैं 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 1 कैरी करेंगे, 15 में से 6 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 9, तो लिखा हमने 9 ओवर 30। तो नेक्स्ट अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 1 द 3, 3 3 टाइम्स 9, इस तरह 5 1 टाइम 5 और 5 6 टाइम 30, तो 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 ओवर 6 है, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 6, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 ऊपर वाले टर्म को ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई करें और नीचे 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2,
वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल वन ओवर वन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू। तो ये स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आया है वन ओवर टू। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने फाइंड की तो हमारे पास आंसर वन ओवर टू। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड है वन टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव ओवर सिक्स माइनस वन टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई एट ओवर फिफ्टीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री वन द थ्री उसमें टू ऐड करेंगे तो फाइव ओवर थ्री मल्टीप्लाई फाइव ओवर सिक्स माइनस थ्री वन द थ्री इसमें टू ऐड करेंगे तो फाइव ओवर थ्री मल्टीप्लाई एट ओवर फिफ्टीन। अब हम स्टूडेंट्स को कटिंग करेंगे नंबर्स की। यहाँ पर थ्री के टेबल में फाइव नहीं आता, फाइव के टेबल में सिक्स नहीं आएगा। लब के फाइव वन द फाइव फाइव थ्री टाइम फिफ्टीन, ये आपस में कट हो जाएंगे नंबर्स। तो ऊपर नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करें। फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव, थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स टाइम एटीन, माइनस वन को मल्टीप्लाई करें एट से वन एट टाइम्स एट, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री द नाइन आठ। तो ये स्टूडेंट 25 ओवर 18 माइनस 8 ओवर 9 मिल गया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम है 18 ओवर 19 का। तो 2 से 2 9 टाइम्स 18, 9 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 9 1 द 9 और 9 1 टाइम्स 9। तो एलसीएम जब हमने फाइंड किया 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 18 एलसीएम। तो यहाँ पर सर अब यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 18 मौजूद है, जबकि यहाँ पर अब हमें 18 चाहिए। तो 25 ओवर 18 एज इट इज़ माइनस 8 ओवर 9। अब हम इनको 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 18 आ जाए, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 25 ओवर 18 माइनस 8 टू द 16, 9 टू टाइम्स 18। तो ये हमारे पास कौन हो गया एलसीएम। तो ये मेरे पास जो एलसीएम है वो है 18। अब स्टूडेंट 18 से कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 18 से कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट हमने दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 25 में से माइनस करेंगे 16 को, 25 माइनस 16, तो ये मिल जाएगा 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 का हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में 18 है, 9 ओवर 18। अब इन दोनों नंबर्स को कैंसिल करें, 9 वन टाइम 9, 9 टू टाइम्स 18, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट हमारा राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी 1 ओवर 2 आया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 ओवर 2 था। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। तो ये हमने दोनों साइड्स को इक्वल पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। 11 ओवर 12 माइनस 2 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88 इज इक्वल 11 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88 माइनस 2 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। 11 ओवर 12 माइनस 2 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88। तो ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 11 ओवर 12 एज इट इज़ माइनस 3 2 टाइम 6, उसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88।
अब फिर हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में फ्रैक्शन है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 12 और 3 का, तो 2 6 टाइम 12 3 एज इट इज़, 2 3 टाइम 6 3 एज इट इज़, और 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12। 12 से हमें मिल गया 12, यानी कि अब हमने तो यहाँ पर भी 12 बनाना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ऑलरेडी 12 मौजूद है लेकिन 8 के नीचे 12 नहीं है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ताकि 12 आ जाए, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ओवर 88 आ जाए। तो ये स्टूडेंट 11 ओवर 12 माइनस 8 4 टाइम 32, 3 4 टाइम 12, तो ये 12 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 12 ओवर 88 से। तो नेक्स्ट एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 12 12 से कैंसिल, 11 माइनस 32, पोलर टर्म लिखेंगे हम, ये 12 ओवर 88, 11 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह जाएगा 21 माइनस के साथ ओवर 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88। तो स्टूडेंट 12 12 से कैंसिल, ये हमारे पास 12 12 से कैंसिल हो गया, जब हम 21 है और नीचे 88 है, तो 7 के टेबल में 21 आएगा, और इसी तरह जब हमारे पास हम इसे सॉल्व करें तो 88 नहीं आएगा, तो 821 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 वन द 4 4 टू द 8, तो भी 88 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 21 ओवर 88। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं कि उसका हमारे पास क्या आंसर है। तो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट 11 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88 माइनस, ये हमने लिखा 2 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88 माइनस 3 2 टाइम्स 6, 6 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 8 ओवर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 88। दोस्तों यहाँ पर 12 को 12 से कैंसिल करेंगे, 11 1 टाइम 11, 11 8 टाइम्स 88 आ जाता है, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8 माइनस, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं ये है 8 8 1 टाइम 8 8 1 टाइम 8 8 1 टाइम 8, यानी कि 8 11 टाइम्स 88 आ जाता है, तो 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12 लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 4 ओवर 11। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8, नीचे हमने मल्टीप्लाई किया माइनस, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, और नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये 11 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 1 है, 1 मल्टीप्लाई 8 8 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 4 है, और 1 मल्टीप्लाई 11 11 है, तो 1 ओवर 8 माइनस 4 ओवर 11 हमने पुट किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे 8 और 11 का, क्योंकि फ्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेट सब्ट्रैक्शन होगी, 8 और 11 का एलसीएम तलाश करेंगे। तो स्टूडेंट 8 अपने टेबल में आएगा और 11 इला प्राइम नंबर अपने टेबल में आएगा, लिखेंगे 8 1 टाइम्स 8 11 एज इट इज़, 11 1 टाइम 11 और 1 एज इट इज़। तो जब हम एलसीएम के लिए यहाँ पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 88, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम है वो आया है 88। अब स्टूडेंट हमें डिनोमिनेटर के नीचे भी 88 चाहिए, यानी कि 8 की जगह पर भी 88 आए और 11 की जगह पर भी हमें 88 मिले। तो स्टूडेंट इसको हम 88 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 ओवर 8, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 ओवर 11 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से, ताकि मुझे 88 एलसीएम मिल जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल 11, ओवर 8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल 88, माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32, ओवर 11 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 88। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन यानी कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमने फाइंड किया तो हमारे पास 88 आया, ये हमने एलसीएम फाइंड किया 88, ये मैंने यहाँ पे पुट किया, अब 88 88 से कैंसिल, 11 आ जाएगा माइनस,
88 से कैंसिल हो रहा पर 32 है। तो 11 में से 32 अगर हम फाइंड करें तो 32 में से मैं 11 माइनस करता हूँ, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो 21 आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो ये आएगा 21 ओवर 88 माइनस के साथ। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 21 आया है माइनस ऑफ 21, जबकि राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यहाँ पर 88 आया है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमें माइनस 21 मिला, जबकि राइट हैंड साइड पर भी हमें माइनस 21 ओवर 88 मिला। तो ये स्टूडेंट से हमें पता चला कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हमें मिल गई। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि ये दोनों साइड्स आपस में सेम हैं, इक्वल हैं, नीचे पुट कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो दोनों हमने इक्वल की राइट और लेफ्ट। और जबकि यहाँ पर जो ला है, जो हम ला यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर ला कौन सा है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ये मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनके मल्टीप्लाई ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इनके हमने जब टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये टर्म आ गई, माइनस था दरमियान में माइनस पुट किया, सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इनके हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया ओवर एडिशन में। तो ये स्टूडेंट हमारा लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आया क्वेश्चन नंबर 1 को, जब हमने ए 5 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हमने मल्टीप्लाई किया, उस कैल्शियम लिया और लास्ट पे हमारे पास आंसर माइनस 21 ओवर 88 आया। इसी तरह राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में जब हमने इनको कटिंग की, 11 के टेबल से 88, 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8 लिखा, माइनस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई 4 ओवर 11, इनको सॉल्व किया 1 ओवर 8 माइनस 4 ओवर 11। आपस में 4 और 8 आपस में कट नहीं होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम इसको कट कर देते। तो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज लिखा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 88 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि एलसीएम 88 था, इनको मल्टीप्लाई किया 11 से, तो हमारे पास आंसर आया माइनस 21 ओवर 88। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3A में यूनिट नंबर 3 था फ्रैक्शन, उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 3E, इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई द लॉज एंड नेम देम, उनको हमने वेरीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल भी पुट किया, हमने आंसर भी लेकर आए, और अब हमने ये भी बताया कि ये लॉ कौन सा है, एडिशन का लॉ है या सब्ट्रैक्शन का। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।